नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ नम्रता चंचूतरा। बाबा केदारनाथ के कपाट 6 महीने बाद खुल गए हैं। शुभ मुहूर्त के मुताबिक सुबह 6:25 पर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मंदिर के कपाट खोले गए थे, जिसके बाद मुख्य पुजारी ने बाबा की डोली लेकर मंदिर में प्रवेश किया। इस मौके पर 10,000 श्रद्धालुओं के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। वहीं मंदिर प्रांगण को 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। इससे पहले गुरुवार को ही केदारनाथ में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ गया था। आपको बता दें तो 2020 में कोरोना महामारी फैलने के बाद से यहां भक्तों के दर्शन की इजाजत नहीं थी। हर साल बाबा के कपाट खुलते थे और बाबा की पूजा आरती की जाती थी, लेकिन इस बार 2020 के बाद फिर से भक्तों को बाबा के दर्शन की इजाजत मिली है। वहीं गौरीकुंड से हजारों की संख्या में श्रद्धालु गुरुवार सुबह केदारनाथ धाम की तरफ बढ़े। भक्तों ने यहां से करीब 21 किलोमीटर की दूरी पैदल, घोड़े या पिट्ठू से पूरी की। वहीं सुबह 6 बजे शुरू हुई यात्रा शाम 4 बजे केदारनाथ धाम पर पूरी हुई। क्षमता से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचने से अफरा तफरी का माहौल बन गया था, जिसके बाद हजारों श्रद्धालुओं को गौरीकुंड पर रोक दिया गया। हालांकि शुक्रवार सुबह सभी को केदारनाथ जाने की अनुमति दे दी गई। मान्यता है कि बाबा केदारनाथ जगत कल्याण के लिए 6 महीने समाधि में रहते हैं। मंदिर में कपाट बंद होने के अंतिम दिन चढ़ावे के बाद 1.25 क्विंटल भभूति चढ़ाई जाती है। कपाट खुलने के साथ ही बाबा केदारनाथ समाधि से जागते हैं, इसके बाद भक्तों को दर्शन देते हैं। आपको बता दें केदारनाथ उत्तराखंड के 4 धामों में 3रे नंबर पर है। ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाभारत काल में यहाँ शिव जी ने पांडवों को बेल के रूप में दर्शन दिए थे। ये मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य ने बनवाया था। मंदिर करीब 3,581 वर्ग मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और गौरीकुंड से करीब 16 किलोमीटर दूरी पर है। मान्यता है कि 8वीं-9वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।